नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। करहल में बालक की हत्या से फैली सनसनी, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। जनपद मैनपुरी में 10 वर्षीय बालक की हत्या ने लोगों को झकझोर दिया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला डंबर का है, जहां ग्रामवासी अंतराम का 10 वर्षीय पुत्र विकास विद्यालय से पढ़कर छुट्टी के बाद घर लौटा था और वह गांव में खेलने के लिए चला गया था। देर शाम तक विकास घर नहीं लौटा तो परिवार जनों में उसकी खोजबीन शुरू कर दी। गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकजुट होकर बालक विकास को खोजते रहे, लेकिन देर रात तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। दूसरे दिन सुबह शौच क्रिया को खेतों में गए ग्रामीणों ने ताजा बंद गड्ढा देखा तो यह बात सुन बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अनहोनी होने की आशंका से तत्काल करहल थाना पुलिस को सूचना दी गई। करहल थाना प्रभारी आशीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जैसे ही ग्रामीणों के सहयोग से गड्ढे की मिट्टी को हटाना शुरू किया, वैसे ही गायब हुए बालक विकास का शव मिलने से घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। बालक का शव देख परिवारजनों में कोहराम मच गया। मृतक विकास के पिता ने अंतराम ने गांव के ही 3 लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर पुत्र विकास का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया, जिससे गांव में आरोपियों के प्रति आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह व तमाम आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को छानबीन कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बहरहाल करहल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर मृतक के पिता, मृतक की माता व मृतक की फाइल फोटो भी आपको दिखाएंगे और अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह का क्या कहना है इस विषय पर वो भी सुनाते हैं। बने रहिए लोकल खबरें के साथ। आपको क्या पता लगा आज, कैसे आपको क्या सूचना मिली थी आपको? जब पुलिस लगाई दई दैया संजा को नहीं मिलो तब ढूंढे दैया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने पुलिस लगाई थी दैया ढूंढे चारा और लला मेरे को नहीं मिलो दैया। अब लला की सोचना आई दैया एक जनो चलो अब दैया। अरे लला मेरे गड्ढा खोद के गारे दैया। कितनी उम्र थी इस बच्चे, कितनी उम्र थी? पढ़ के सुरेश के घर का हुए बेरिंग के लिए जो 15 दिन से लालच रहे थे तो इन्होंने जो बात कही है तो बेरिंग बस्ता दरियावता की बात में दी है तो फिर आते फिर गए फिर भूको घरे चलनी में उतारी कपड़ा पहले खाना तक ना खाओ और उनसे बच दो तो लड़का जाके 3 संग पड़े तो ये लड़का थोड़ी दूर ठाड़े रहे जिनके घर में भी घुसो है तो जाते दिखाई गई का हार में गए लिए वो दो लड़का घर लौट के वापस चले गए। चाहे सुरेश ने पकड़ के अब हमें जिले के घर तक जावे के सूरत जो आदमी बताए तो विकास इतने का हुए। खेत में जाकर क्या हुआ, आपको क्या पता लगा ये सब? खेत में जब तो करीब अभी की बात है खेत में तो जय का हमारे गाँव को फोन आ हुए है और अब हमें जब पता पुण्य कहिया जिले के खेत के पास में वो मिट्टी दबी जिनको जहाँ अंजन लगो आपके आपके लड़के की हाँ हमारे लड़के की जिनको खेत है वो अंजन है वो तो आपका सीधा आरोप सुरेश के ऊपर है कि सुरेश ने आपके लड़के को हत्या की है अपहरण के बाद और राम सिंह की दो बहुन ने दौड़े सुरेश को रुपया रुपया की वजह से हत्या भाई है जमीन हमारी लेवे के चक्कर में जो लड़का एक जिनको मार दी जिनते बाकी जमीन कब्जा तो हमारा हुई है राम सिंह की दो ही परिजन गाँव वाले और पुलिस लगातार तलाश कर रहे थे तो आज एक ने